खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी सूची पर सीसी की मुहर लग सकती है, दूसरी लिस्ट में अधिकतर विधायकों के नाम, ये बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी, बीजेपी की दूसरी सूची पर सीसी की मुहर, इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, दूसरी लिस्ट में अधिकतर विधायकों के नाम, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कभी भी बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, क्या अपडेट अभी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति ने कल जो बैठक की है उसमें बीजेपी की दूसरी लिस्ट को मोहर जो है वो उसने लगा दी है। अब किसी भी वक्त जो है वो ये दूसरी सूची जारी हो सकती है। हालांकि ये इंतजार जरूर किया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आए उसके बाद जो है वो सूची जारी की जाए, लेकिन अब चूंकि ज्यादा समय जो है वो नहीं बचा, इस लिहाज से सूचियों के आने का जो दौर है वो अब शुरू होने वाला है। और संभवतः आज भी जो है वो पार्टी इन नामों को जो है वो जारी कर सकती है। बस ये देखा जा रहा है कि अनुकूल समय कौन सा होता है, उस हिसाब से जो है वो पार्टी सूचियों को जारी कर सकती है। और इसमें ज्यादातर विधायकों के नाम जो है वो है, जो वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हें जो है वो ज्यादातरों को टिकट जो है वो दिया गया। हालांकि कुछ नामों पर पार्टी के अंदर जो है वो एतराज था, इस लिहाज से उनके नाम जो है वो काटे गए, नए चेहरों को मौका जरूर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर वही नाम है जो वर्तमान में विधायक है और अपने क्षेत्रों में काफी समय से सक्रिय है, ऐसे नेताओं के नाम जरूर इस लिस्ट में। बस चूंकि अब सीसी की मोहर जो है वो लग चुकी है, मतलब इंतजार किया जा रहा है कि पार्टी किस वक्त इन सूचियों को जो है वो जारी करती है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जो तस्वीरें भी सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला है। जयपुर से दिल्ली तक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। सौरभ देखिए, बीजेपी जब अपनी दूसरी सूची जारी करेगी तो कितने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी बताया जा रहा है, क्योंकि जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी। जी बिल्कुल, इससे दोगुने जो है वो नाम इस लिस्ट में जो है वो शामिल होने की पूरी संभावना है। पहली 41 सीटों की सूची थी तो संभवतः 80 से 100 के बीच में ये लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। और क्योंकि इस लिस्ट पे बहुत ज्यादा मंथन हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कोर ग्रुप की, ना सिर्फ जयपुर में बल्कि दिल्ली में भी कोर ग्रुप की कई बैठकें जो है वो हुई है। और जब तमाम नाम फाइनल कर लिए गए उसके बाद जो है वो सीसी की बैठक में प्रस्ताव जो है वो लेकर जाया गया और फिर वहां पर सीसी ने इस लिस्ट को पर जो है वो मोहर लगाई है। तो बड़ी लिस्ट होगी, जंबो लिस्ट होगी और ज्यादातर विधायकों के नाम इसमें शामिल होंगे। कुछ ऐसे भी नाम इसमें शामिल देखने को मिल सकते हैं जो हाल ही में पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है उनको पार्टी जो है वो मौका दे सकती है। और कुछ जगह पर जहां पर पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि संभवतः पार्टी उनके टिकट काट सकती है, क्योंकि पिछले 5 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पार्टी के अंदर जो कामकाज मिलने चाहिए थे उनको, उनके द्वारा करने चाहिए थे वो नहीं किए गए और कुछ शिकायतें। बिल्कुल सौरभ, देखिए सभी को इंतजार है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो कौन कौन से वो नाम सामने आते हैं, क्योंकि पहले लिस्ट में ही कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। अब सभी को दूसरी लिस्ट का इंतजार है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।